हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। एंड फाइनली आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर टू PDE का। आप बहुत दिन से कह रहे थे कि PDE के चैप्टर टू की वीडियोस बनाऊं मैं, सो फाइनली आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, उसकी कुछ थ्योरीज को देखेंगे और एक्सरसाइज 2.1 के 5 तक क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, सेकेंड चैप्टर है आपका फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। आपको पता ही है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यही करा था। जो डिफरेंस है मेन वो क्या रहेगा कि फर्स्ट चैप्टर में आपने डिफरेंशिएशन किया था और इस एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, देखो आपके पास इसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप बताए हुए हैं। फर्स्ट टाइप आपका है कंप्लीट इंटीग्रल, सेकेंड है पर्टिकुलर इंटीग्रल, एंड थर्ड है जनरल इंटीग्रल, एंड फोर्थ वन इज़ योर सिंगुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशंस को आप ज़रूर रीड करना। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपसे कंपलसरी क्वेश्चन में पूछ लें, और ना भी पूछे तो आपको अपनी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए इनको आप ज़रूर रीड करना। उसके बाद देखो, इस 2.1 में हमारे पास बेसिक जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो वर्किंग रूल रहेगा वो क्या रहेगा, पहले आप एक एग्ज़ाम्पल देख लो। जैसे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, सॉल्व कर्ली स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स कर्ली टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर -1 इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, जहाँ भी आपको कर्ल का स्क्वायर दिख जाए आपको वहाँ पे क्या करना है, ब्रेक करना है। ये हम एडवांस कैलकुलस की 5.1 में भी कर चुके हैं, तो हमने वही किया, ब्रेक किया है इसको कर्ली बाय कर्ली एक्स इंटू कर्ली यू बाय कर्ली टी। ठीक है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, टी को एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे। तो कर्ली यू बाय कर्ली टी इज इक्वल्स टू ई की पावर -t कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और प्लस में कोई भी कॉन्स्टेंट, दैट इज़ फाई ऑफ t। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ t। ये आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये फंक्शन t का इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपने t को कॉन्स्टेंट ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, अब देखो कर्ली यू बाय कर्ली टी आ गया, बट हमें तो यू चाहिए, हम फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ई रेस टू द पावर -t साइन एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन फिर से, और फिर से हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ साई ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तो आपके पास एग्जांपल दिए हुए हैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए। किसके हैं ये, डायरेक्ट इंटीग्रेशन के लिए। जो मेन इसमें रूल यूज़ होगा वो देखो अब आएगा आपके पास। ये देखिए क्या है आपके पास इसमें, अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म P into P plus Q into Q is equals to R, where P, Q, R are the functions of x, y, z is called Lagrange's linear equation. क्या है equation, कैसी होनी चाहिए, partial होनी चाहिए, differential होनी चाहिए, linear होनी चाहिए, उसका order क्या होना चाहिए, first one order की होनी चाहिए, और उसकी किसकी क्या form होनी चाहिए, उसकी P, P plus Q, Q is equals to R, जहाँ पे आपके पास कैपिटल P, Q, R क्या है, x, y, z के फंक्शंस हैं। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन। तो आपके पास इस एक्सरसाइज में लैग्रांज लीनियर इक्वेशन मिलेगी। अब उसको सॉल्व कैसे करना है, उसकी मेथड देखो कैसे सॉल्व करना है आपको उसको। ये देखिए आपके पास ये वाली फॉर्म है, जहाँ पे क्या दिया हुआ है इसमें आपको, इक्वेशन फोर फ्रॉम विच यू एंड वी आर डिटरमाइंड। ये वाली जो फॉर्म है आपकी, ये क्या दी हुई है आपके पास, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या है ये, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, और क्या है, सब्सिडरी इक्वेशन। आप दोनों ही वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये इसलिए बताया है कि हम क्वेश्चंस में ये यूज़ करते हैं कि नाउ वी विल फाइंड द लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी एक्स बाई पी इज इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड बाई आर, जहाँ पे आपके पास पी क्यू आर क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट होगी। स्मॉल पी का कॉफिशियंट इज योर कैपिटल पी, स्मॉल क्यू का कॉफिशियंट इज योर कैपिटल क्यू, एंड जो भी आपके पास राइट हैंड साइड में होगा वो क्या होगा आपके पास, आर। अब देखो जो मेन बात आती है वर्किंग रूल की, कि आप क्वेश्चन में क्या रूल लगाओगे। आपको क्वेश्चन में इक्वेशन मिलेगी इस फॉर्म में, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, एंड फाइंड पी क्यू आर। आप क्या करोगे, गिवन इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यूज़ को निकाल दोगे।
ठीक है, पी क्यू आर्स की वैल्यू को निकाल देना। उसके बाद क्या राइट डाउन करने हैं हमने, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर, हम ये स्टेप कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे लैग्रांज इक्वेशन को, इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लेट कर लेंगे यू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ए, आपके पास यहाँ पे ए क्या है, आपका कांस्टेंट है, और वी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बी, वी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, दो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकल जाएंगे आपके पास यहाँ से, और जो जनरल सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, फंक्शन ऑफ यू एंड वी, और वी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू। अब वर्किंग रूल थोड़ा सा माइंड में रखो, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आपका सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल दे, क्या है आपके पास, वाई जेड पी प्लस जेड एक्स क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा हमारा, हर क्वेश्चन में हर लाइन में हम क्या लिखेंगे, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस। अब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल्स टू आर, हम इसको इसी से कंपेयर करेंगे। और कंपेयर करने के बाद स्मॉल पी का कोफिशियंट आपके पास यहाँ पे पी होता है, और यहाँ पे आपका पी का काम कौन कर रहा है, वाई जेड कर रहा है। तो पी क्या है आपके पास, वाई जेड, क्यू क्या है, जेड एक्स, एंड आर क्या है, एक्स वाई। अब हम क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी और सब्सिडियरी इक्वेशन, वो क्या होती है, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर। तो वही हमने किया, डी एक्स अपॉन पी क्या है, वाई जेड, क्यू क्या है, जेड एक्स, आर क्या है, एक्स वाई। अब आपने इनको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेंबर्स ले लेते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, डी एक्स अपॉन डी वाई। देखो डी एक्स अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन जेड एक्स, जब आप लोगे तो आपके पास क्या होगा, जेड से जेड कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एक्स, ये बचेगा। इस एक्स को यहाँ ले जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वाई को यहाँ ले जाओगे, तो क्या आएगा, एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डी वाई। अब क्या किया आपने, इंटीग्रेशन कर दी। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, फंक्शन एज इट इज, एक पावर ऐड और एक उसी पावर से डिवाइड। तो ये आपने किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल बाय टू इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय टू, प्लस हम कोई भी कॉन्स्टेंट ऐड करते हैं हमेशा इंटीग्रेशन में, यहाँ पे आपने कॉन्स्टेंट क्या ले लिया, सी वन ले लिया। अब देखो इस वाई स्क्वायर बाय टू को यहाँ लेके आओगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल्स टू सी वन, उस सी वन को आपने यहाँ भेज दिया तो क्या बन गया, टू सी वन। तो टू सी वन को आपने क्या ऐड कर लिया, ए। इन क्वेश्चन में यहाँ तक सॉल्व इजीली हो जाता है, बस आपको ना लास्ट में इसमें क्या करना होता है, पुट करना होता है कि कॉन्स्टेंट आपने ले लिया, उसकी वैल्यू को आपने मतलब यहाँ पे अपने जो भी चीज़ है ना उसको सबको ख़त्म करना है, सिर्फ एक्स वाई की फॉर्म में रखनी होती है। ठीक है, जैसे कि आगे भी आप क्वेश्चन देखोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, आपको ये स्टेप करना पड़ेगा कि आपने क्या किया, इसको इस फॉर्म में नहीं रखा, आपने टू को भी इधर लिया आप और उसको एक नया कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया ए। ठीक है, तो आपको ये स्टेप क्वेश्चन में भी करना होगा। अब लास्ट टू मेंबर्स लेंगे हम, ए की वैल्यूज आ गई, बी की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो लास्ट टू मेंबर्स लिए आपने, क्या लिया, डी वाई अपॉन जेड एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन एक्स वाई, एक्स एक्स कट हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन जेड इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन वाई। अब वाई को यहाँ भेज देंगे, जेड को यहाँ भेज देंगे, वाई डी वाई इज इक्वल्स टू जेड डी जेड, फिर से इंटीग्रेट करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर अपॉन टू, प्लस कॉन्स्टेंट सी टू लेट कर लिया। अब फिर से इसको यहाँ लेके आओगे, फिर टू एल सी एम लोगे, फिर टू को यहाँ भेजोगे तो टू सी टू का आपने क्या लेट कर लिया, बी। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम क्या करते हैं, यू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू ए एंड वी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू बी, ऐसे तो लेट करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे यू का काम कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी का काम कौन कर रहा है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आपके पास जनरल सॉल्यूशन क्या आ गया, एफ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब फंक्शन ऑफ यू भी होता है ना, तो यू की वैल्यू पुट कर दी और वी की वैल्यू पुट कर दी, एंड द सॉल्यूशन में बी रिटर्न एज एफ वी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, तो वी की वैल्यू पुट कर दी और यू की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ तक करके भी छोड़ सकते हो एज योर विश। ठीक है, सो आई होप अब आपको समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा कि आपको करना क्या है। इसी तरह से आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, आपको सब में यही रूल अप्लाई करना है। ओके, देखो अब यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है टाइप टू। आपने इन एग्जांपल्स में देखो, इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स वन ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम द सब्सिडियरी इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन एज इन द प्रीवियस एग्जांपल्स, वेयर एज फॉर फाइंडिंग अदर इंटीग्रल वी शैल मेक यूज ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल। अब क्या है कि आपके पास सेकेंड निकालने के लिए आपके पास फर्स्ट का यूज़ होगा, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ से बिल्कुल सेम है,
देखो ये चीज़ बिल्कुल सेम करनी है। अब यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ गई, आपके पास ए इक्वल आ गया किसके, एक्स वाई के इक्वल आ गया, ए किसके इक्वल आ गया, एक्स वाई के इक्वल आ गया। तो इस चीज़ का यूज़ अब आपको करना पड़ेगा, कहाँ पे आगे करना पड़ेगा, देखो देखो यहाँ तक आपने निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं लास्ट टू लेते हैं ना। अब आप जब इन दोनों का यूज़ करोगे तो आपके पास जो इंटीग्रेशन करना होगा ना वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाएगा। देखो आपके पास ये फॉर्म आ गई, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और ये थोड़ा सा लेंथी बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस वाली चीज़ का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, एक्स वाई को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से। किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से। तब आपके पास जब का क्वेश्चन है वो ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक तो एक्स वाई करना और एक सिर्फ ए करना, दो को आपने एक में बदल दिया, ए में दो टर्म्स को आपने एक एक सिंगल टर्म में चेंज कर दिया ना। तब आप उसको इंटीग्रेशन कर दो, लास्ट में क्या करो, ए की वैल्यू को फिर से वो पुट कर दो एक्स वाई, ठीक है। तो सेकंड टाइप में आपके पास क्या था कि आप फर्स्ट वाले का यूज़ करो सेकंड में। तो इसके बेस पे आपके पास फोर्थ एग्जांपल है एंड फिफ्थ एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो टाइप थ्री और टाइप फोर अभी हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं फाइव तक उसमें इसका यूज़ नहीं हो रहा। तो जब इन क्वेश्चन का यूज़ होगा तब मैं आपको ये वाले समझाऊंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। देखिए आपके पास फर्स्ट थ्री क्वेश्चन में क्या करना है, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, और फोर्थ फिफ्थ बाकी सब में आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे फाइव तक के क्वेश्चंस को, ओके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इंटीग्रल से सॉल्व करना है। कर्ली क्यूब जेड अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर कर्ली वाई इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 2x प्लस 3y। मैंने आपको बोला था जहाँ के पास कर्ल की वैल्यू आपको दिखाई दे, मतलब उसकी पावर दिखाई दे स्क्वायर में क्यूब में या कि फोर पावर, तब उसको क्या करोगे, ब्रेक करोगे। कैसे, आपने क्या किया, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, अंदर क्या रखा, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, और इसको एज इट इज़ रखा। अब देखो जब आप इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कर्ल स्क्वायर और कर्ल क्या बन जाएगा, कर्ल क्यूब जेड एज इट इज़, और कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये सेम चीज़ बन रही है ना। तो आपने इसको इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई को क्या ट्रीट करोगे, ऐसा कॉन्स्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो कर ली जेड बाई कर ली वाई एज इक्वल्स टू कॉस का इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2x प्लस 3y, और 2x का इंटीग्रेशन अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस में कोई कॉन्स्टेंट होता है मतलब कि फाइ ऑफ y, ठीक है। अब आपको कर ली जेड बाई कर ली वाई तो मिल गया, आपको क्या चाहिए जेड, तो दोबारा से इसका इंटीग्रेशन कर दिया तो जेड आ गया, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो कॉस का साइन आएगा, और फिर से आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे। तो अभी आपने यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किया है ना, कर्ली जेड बाई कर्ली y है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 4 3 12 बन जाएगा। ये एक था ही पहले से, एक और कॉन्स्टेंट आ जाएगा आपके पास क्या, साई ऑफ y प्लस में एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओमेगा ऑफ x, ठीक है। ये वाले स्टार्टिंग के क्वेश्चन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपके पास जो वर्किंग रूल अप्लाई करने वाले हैं वो है। सेकेंड क्वेश्चन भी इसी तरह से किया हुआ है, ब्रेक करा हुआ पहले इसको, फिर इंटीग्रेशन किया हुआ सिंपल, देखो और कुछ नहीं किया हुआ इसमें। ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, ये देखो ऐसे ही किया हुआ, सिर्फ कर ली एक्स बाई कर ली जेड कर ली वाई इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 2x माइनस वाई अपॉन में 2, ठीक है। और फिर क्या किया हुआ, अगेन इंटीग्रेटिंग अबव पार्ट विद रिस्पेक्ट टू x किया हुआ है, ठीक है। फिर से इंटीग्रेशन किया हुआ, सॉल्व किया हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन देखो बिल्कुल ही ईजी है, दो थे आपने इसको ब्रेक कर लिया, इंटीग्रेशन करा, इस तो कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन करा किसके रिस्पेक्ट में करा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2, और साथ में ये आ गया। फिर दोबारा से किया था आपके पास साई आ गया, ठीक है। अब देखो मेन क्वेश्चन आपका अब स्टार्ट होते हैं फोर्थ से, ये आपके पास मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से, जिसमें आपके पास जो भी हमने थ्योरी समझी वो अप्लाई होगी, ठीक है। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। आपने क्या लिखा, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। अब आप इसको किससे कंपेयर करोगे, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। कंपेयर करने के बाद पी की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर, एंड क्यू की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज़ करेंगे, वो क्या होती है, dx by p is equals to dy upon q is equals to dz upon r।
पी का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर, क्यू का काम कौन कर रहा है, वाई स्क्वायर, एंड आर का काम कौन कर रहा है, जेड स्क्वायर, ये ले लिया आपने। अब क्या करोगे आप, फर्स्ट टू मेंबर्स को लोगे, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई अपॉन आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन करा आपने दोनों साइड, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का वन अपॉन एक्स आएगा, और वन अपॉन वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का वन अपॉन वाई आएगा। साथ में कॉन्स्टेंट ऐड कर लिया आपने सी, आप इसको सी वन कर लेना चाहे और इसको सी टू कर लेना, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या किया आपने, अब आपने इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको कहा था ना कि आपको कुछ भी करके इधर से जो भी आपके पास प्लस में लेके आने हैं इस टर्म को, माइनस भी ख़त्म कर देना। आपने क्या किया, आपने माइनस वन बाय वाई को इधर लिया है तो प्लस का वन बाय वाई बन गया। अब क्या करा, माइनस कॉमन लेके वन बाय एक्स माइनस वन बाय वाई बना दिया, और माइनस को इधर लिया है तो आपने मतलब क्या किया, माइनस ए को सी पुट कर दिया, या फिर माइनस सी को ए पुट कर दिया, आप ऐसे कह सकते हो। सी वन, सी वन लिख देना यहाँ पे, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये करना है आपने काम। ऐसे आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को लिया, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर, इंटीग्रेशन किया तो ये आया, इसको यहाँ लिया है आप, यहाँ लेके आने के बाद आपने माइनस कॉमन लिया और फिर से इसको पुट कर दिया, तो आपके पास फंक्शन क्या आ गया, यू और वी का आता है ना, यू को मैं वी बोलते हैं, यहाँ पर यू का काम कौन कर रहा है ये, और वी का काम कौन कर रहा है ये, इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हो सकता है आपको समझ में आई है लास्ट में क्या कर रखा है, बट आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो, और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ पूछ लिया कीजिए, अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको कहाँ पर डाउट है। देखो सेकेंड पार्ट, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू थ्री जेड, ठीक है, किससे कंपेयर करा, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। कंपेयर करने के बाद पी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स, क्यू की वैल्यू क्या आएगी, वाई, और आर की वैल्यू क्या आएगी, थ्री जेड। ओके, अब हम क्या करेंगे, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ करेंगे, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको एक्स वाई बोल दिया गलती से, पी क्यू होते हैं ना, तो पी का काम कौन कर रहा है, एक्स, क्यू का काम कौन कर रहा है, वाई, एंड आर का काम कौन कर रहा है, थ्री जेड। अब इन दोनों मेंबर्स को लोगे, इंटीग्रेशन करोगे दोनों साइड, डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, एंड डी वाई बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग वाई, प्लस में कॉन्स्टेंट लॉग ए। ऐसी जब इन दोनों मेंबर्स को लोगे आप, इन दोनों मेंबर्स को लोगे तो डी वाई अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, डी जेड अपॉन थ्री जेड का इंटीग्रेशन वन अपॉन थ्री बाहर, डी जेड अपॉन जेड का इंटीग्रेशन लॉग जेड, और प्लस में कॉन्स्टेंट लॉग बी। अब आपको तो ए चाहिए, तो आपने इसको इधर ले आए आप, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई कर लिया और लॉग ए को इधर ही रखा, ऐसे ही यहाँ पे करा आपने। लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन होता है, तो लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए, लॉग से लॉग कट जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स अपॉन वाई, और बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, वाई क्यूब अपॉन जेड। ठीक है, तो यहाँ पे यू का काम ये कर रहा है, वी का काम ये कर रहा है, तो आपके पास सॉल्यूशन बन गया ये। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि क्या वाई क्यूब अपॉन जेड, आपके पास होता है ना v इज इक्वल्स टू एफ ऑफ यू, तो v का काम कौन कर रहा है, ये एफ ऑफ यू का काम कौन कर रहा है, एक्स अपॉन वाई, और z को आपने यहाँ पहुँचा दिया, तो वाई क्यूब इज इक्वल्स टू जेड एफ एक्स अपॉन वाई। आपके बुक में आंसर जो है वो ये दिया हुआ है, तो आंसर को मैच करने के लिए हमने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि हमने लास्ट में क्या करना होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस टू वाई। आज हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उन सब में यही पैटर्न फॉलो होगा, मतलब जो दो हमने डिस्कस किए ना ये, और जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वाली इक्वेशन का हमारा सेकंड में यूज़ होता है, तो हम वही करेंगे आज। फर्स्ट वीडियो है, मतलब आप चैप्टर को पहली बार कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहती कि आपके ऊपर बर्डन आए कोई भी, जितना ईजी पार्ट था वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर करवाने की कोशिश की है। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड ही देख लेते हैं हम। आपने क्या किया, ये वाली इक्वेशन थी आपके पास, देखो ये इक्वेशन थी, इसको कंपेयर करोगे आप, कंपेयर करने के बाद पी की वैल्यू क्या आएगी, वाई स्क्वायर, क्यू की वैल्यू माइनस एक्स वाई, और आर की वैल्यू एक्स इंटू जेड माइनस टू वाई। ठीक है, ये आ गई आपके पास इक्वेशंस। अब आपने क्या किया, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन का यूज़ किया, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर, तो पी क्यू आर की वैल्यू को आपने पुट कर दिया। अब इन दोनों टर्म्स का यूज़ करोगे तो वाई से
एक वाई स्क्वायर यहाँ पे था, वाई यहाँ पे था, कट हो जाएगा, ये एक्स यहाँ चला जाएगा और वाई यहाँ चला जाएगा। वाई को वाई के साथ रखो, एक्स को एक्स के साथ रखो, तो क्या आया आपके पास, माइनस का एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डी वाई। अब फिर से आपने इंटीग्रेशन कर देना है, इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस कॉमन ले लिया आपने, और माइनस का टू एल सी में आएगा ना, और माइनस भी आएगा, तो माइनस और टू दोनों को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और उसको फिर नाम दे दिया ए का। इसी तरह से ये सेम काम आपने यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे भी अपने बी की वैल्यू निकाली हुई, जैसे तैसे करके जो भी आपको अगर किसी चीज़ को पुट करना पड़ रहा तो पुट कीजिए, ए और बी की वैल्यू को निकाल दो, निकाल दी और बी की वैल्यू। तो फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ यू इंटू यू कोमा वी होता है, यू का काम कौन कर रहा है यहाँ पे ये, और वी का काम कौन कर रहा है ये, इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अब ईजी लग रहे हैं ना थोड़े थोड़े। अब देखो फोर्थ, फिर से कभी करना है, कंपेयर करना है, पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है और आर की वैल्यू ये है। फिर क्या करेंगे हम, लैग्रांज का इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है, कर देंगे, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, दो फर्स्ट दो मेंबर्स को लेना है, यानी कि इन दोनों को लेना है, और लास्ट में दोनों के आने के आपने इन दोनों को लेना है, ठीक है। तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री, वाई स्क्वायर का वाई क्यूब बाई थ्री, ए लेट कर लिया इसको, थ्री एल सी मारना सकते हो, थ्री को यहाँ ले गए थ्री ए, और इसको फिर यू लेट कर लिया, आपकी मर्जी है, आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे सी लेट कर लो इसको, और फिर थ्री सी को क्या लेट कर लो, ए लेट कर लो। इस चीज़ में पजल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके आंसर से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके पास फंक्शन क्या होता है, यू इंटू वी होता है, यू यू का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यू की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो है, और वी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, दैट इज़ योर आंसर। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है डिटो। देखो इसमें आपके पास पी स्मॉल पी नहीं दिया हुआ, और ना यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास, स्मॉल क्यू, तो ये आपका किसका काम कर रहा है, पी का, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और पी का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे वन, और क्यू का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे वन, ठीक है, और आर क्या है आपके पास, साइन एक्स। तो पी का कोफिशियंट क्या है वन, स्मॉल पी का कोफिशियंट वन है ना, तो पी का काम कौन कर रहा है वन, तो वन वन और वन, ठीक है। इसको हम फिर स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल पी और कैपिटल क्यू का काम कौन कर रहा है, वन एंड वन। तो आपने क्या किया, फर्स्ट टू मेंबर्स को लिया, डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वन करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई तो आएगा। अब क्या करोगे आप, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर बाई इंटीग्रेट करा आपने, डी एक्स को इंटीग्रेट किया तो क्या आया, एक्स आया, और डी वाई को इंटीग्रेट किया तो क्या आया, वाई आया, और साथ में क्या कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया आपने ए, और फिर लास्ट वाले दो लोगे, फर्स्ट और लास्ट लोगे, तो साइन एक्स को इधर ले गए आप, और डी जेड को इधर ही रखा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कोस एक्स, और डी जेड का जेड, माइनस का कोस एक्स माइनस का जेड इज इक्वल टू सी, आपने माइनस को कॉमन ले लिया, उधर भेज दिया और उसको बी का नाम दे दिया, हैंस दिस इज योर आंसर। ऐसे ही ड्यू टू सेम सिक्स पार्ट है, कुछ भी अलग नहीं है इन क्वेश्चन में। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से हमारे पास वो वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें आप फर्स्ट का इक्वेशन का यूज़ करोगे। देखो कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सेम एज इट इज़ करना है। इसको पी क्यू आर फर्स्ट टू मेंबर्स लिए, अब आपके पास यहाँ से ए की वैल्यू क्या आई है, एक्स माइनस वाई आई है, ठीक है। अब जब आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पर क्या आ रहा था, एक्स माइनस वाई आ रहा था, है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चन को ईजी करने के लिए एक्स माइनस वाई को क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे, ए पुट कर देना, बाकी सेम डिटो एज इट इज़ रहेगा। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। अब अपने दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू डी एक्स इज इक्वल टू जेड डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपने ए को दोबारा से रिप्लेस कर देना, जब आप आंसर निकालोगे, अब आपके पास आंसर आ गई, तो ए की वैल्यू क्या थी, एक्स माइनस वाई, तो उसको क्या पुट कर दिया आपने, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, एक्स जेड पी प्लस वाई जेड क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई। आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया, फिर से कंपेयर करोगे, पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू निकालोगे, लैग्रांज इक्वेशन का यूज़ करोगे, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन आर, वही आपने पुट कर देना है। आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए, एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई। तो यहाँ क्या करा आपने, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ए वाई से, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, ए वाई से। ज़रूरी नहीं है कि जो डायरेक्ट वैल्यू आई है उसी का यूज़ होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे एक्स बाई वाई तो नहीं आया, पर एक्स तो आ गया ना, एक्स की वैल्यू क्या है, वाई ए, तो आपने पुट कर दी।
सॉल्व करने के बाद देखो, ए की वैल्यू तो यहाँ से आ गई और बी की वैल्यू यहाँ से आ गई, है ना। इजी क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है इनमें। ऐसे आपके पास आंसर आ गया। अब देखो ये भी सेम ऐसे ही है, इसमें आपके पास कंपेयर करना आपने और उसके बाद C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। इसमें आपके पास कोई पहले वाले इक्वेशन का यूज़ नहीं हो रहा। अब देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें भी सेम यही तरीका है, कोई नया तरीका नहीं है। कंपेयर कर देना है, PQR की वैल्यू निकाल देनी है। यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई, X प्लस वाई, क्या आ गई, X प्लस वाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, X प्लस वाई, यहाँ क्या पुट कर दोगे, A। सॉल्व करने के बाद लास्ट में इसको किससे रिप्लेस कर दोगे, X प्लस वाई से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपने क्या किया, कंपेयर कर दिया, P की वैल्यू क्या आ गई वाई और क्यू की क्या आ गई एक्स आ गई और जेड की वैल्यू भी आ गई, तो डी एक्स अपॉन पी यानी कि वाई ये आ गया। अब क्या करा आपने, एक्स को इधर ले गए, वाई को इधर ले गए, इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो जब ये इन दोनों का यूज़ करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे क्या पुट कर दोगे आप, ए, क्या पुट कर दोगे, ए। वही आपने किया, देखो आपने क्या किया, यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ए पुट कर दिया, ठीक है, क्या पुट कर दिया ए। उसके बाद सिंपली सॉल्व कर देना, बी की वैल्यू आ गई एंड आपके पास आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में भी आपके पास कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी और यहाँ पे देखो ये चीज़ सेम चीज़ बन रही है ना, तो साइन ऑफ ए बन जाएगा, ये साइन ऑफ ए बन जाएगा। तो इसको यहाँ ले जाओगे और डिजर्ट को ऐसे ही रहने दोगे, इंटीग्रेट करने के बाद बी की वैल्यू आ गई और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसमें हम फोर्थ तक ही डिस्कस करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और इनको बहुत अच्छे से सॉल्व समझ लेना प्लीज़, क्योंकि अभी मतलब हमने फाइव तक डिस्कस कर ली है, आपके पास जो ये वाला पार्ट था इजी था, कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है हमारे पास, जो नया हमारे पास दो तरीके हैं उनमें क्या होगा, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखो, पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, कंपेयर कर दिया, पी की वैल्यू क्या है, वन है, क्यू की वैल्यू माइनस वन है और आर की वैल्यू ये है, डी एक्स अपॉन पी, पी मतलब कि वन, डी वाई अपॉन क्यू, क्यू मतलब कि माइनस वन, डी जेड अपॉन दिस। तो डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का डी वाई, इंटीग्रेट करने के बाद ए की वैल्यू क्या आ गई, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, ए। सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको 2.1 के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो समझ में आ गए होंगे। आपको बहुत इंतज़ार था इस वीडियो का, आई नो, एंड सॉरी कि वीडियो डालने में मैं लेट हो गई, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैं कोशिश करूँगी अब वीडियो डेली अपलोड करने की। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कुछ भी समझ नहीं आता है वीडियो के रिगार्डिंग आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। अगर आपको PDF नहीं मिलती है या फिर लिंक ओपन नहीं होता तो प्लीज़ मुझे बताया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।